अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। अजीबो गरीब स्थिति और हालात हैं, सिस्टम अपनी मर्जी का मालिक है और बाकी अपनी। सवाल, कैसे कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जाएगा? क्या ऐसे? तो बिल्कुल भी नहीं। कोरोना मरीज के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव दिल्ली से यहाँ मेरठ ले आए। अब शव को पूर्व की भांति रीति रिवाजों के तहत ही सुपुर्द खाक किया जा रहा है। सुपुर्द एक खाक से पहले शव को बाकायदा नहलाया गया और जनाजे में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। यहाँ बात हो रही है अहमदनगर निवासी इमरान की। मेरठ जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विश्वास चौधरी के मुताबिक 21 वर्षीय इमरान की मृत्यु 10 मई को सुबह 9:30 बजे LNJP हॉस्पिटल में हो गई थी। मौत का कारण हार्ट फेल आदि के अलावा कोरोना भी पाया गया, यानी उसकी मौत के एक कारण में कोरोना भी रहा। 4 दिन तक उसका शव दिल्ली मोर्चरी में रखा गया। किसी ने भी परिजनों को इसकी भनक नहीं लगने दी। शहर विधायक रफीक अंसारी ने इस पर गत दिवस सारे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल उठाए। अब इमरान के परिजन शव को लेकर मेरठ अहमदनगर आ गए हैं। यहाँ रीति रिवाज के दौरान ही जब शव को भीतर नहलाया जा रहा था और स्ट्रेचर बाहर रखा था, एक युवक ने एक वीडियो जारी कर दिया। इसमें तमाम सवाल वह युवक कर रहा है। वह यह भी पूछ रहा है कि क्या ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भीड़ भी जवाब दे रही है, होना चाहिए। आइए देखते हैं वह वीडियो। ये अहमदनगर मेरठ लखीपुरा गली नंबर 15 है। यहाँ एक बच्चे की डेड बॉडी आई है दिल्ली से, और उसको यहाँ के डॉक्टरों ने कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया था। स्ट्रेचर है, अंदर निला रहे हैं, यहाँ इस घर में उसे निला रहे हैं। अगर वो कोरोना पॉजिटिव था तो डेथ होने के बाद में, उसका इंतकाल होने के बाद में, उसकी मृत्यु होने के बाद में डॉक्टरों ने दे कैसे दिया? जबकि हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने सगों की, जो BJP के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने सगों की बॉडी नहीं हासिल कर सकी। हमारे मेरठ के मेयर ने, उन्होंने अपने विधायक जी ने अपने रिश्तेदार की बॉडी हासिल नहीं करी, लेकिन डॉक्टरों ने ये बॉडी दी। स्ट्रेचर ये रहा और निला रहे हैं, वहां निला रहे हैं ध्यान से। तो अगर ये पॉजिटिव था तो इसकी बॉडी दी कैसे, ये बड़ा सवाल उठता है। ये डॉक्टरों ने धांधली कर रखी है, बिना मतलब परेशान कर रखा है, और इनकी पूरी फैमिली को, ये घर है आप देख रहे हैं, ये घर है, गरीब आदमी है, तो ये इनको क्वारंटाइन में भी भेजा गया, वहां से क्वारंटाइन पूरा टाइम पूरा करके आए। अब ये बताइए, इन डॉक्टरों पे मानहानि का दावा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई तो बताओ, होना चाहिए। तो इन्होंने अंधी गाड़ रखी।